तो राम राम दोस्तों, कल हमने एक वीडियो पोस्ट करी थी जो आप सब ने देखी होगी। उस वीडियो का जो मकसद था वो हमारा समाज किस ओर जा रहा है और उसमें क्या असर पड़ रहा है, जो ऐसी ऐसी जो पत्रकारिता आजकल हो रही है, यूट्यूब मीडिया लगा लो, जो भी नए नए यूट्यूबर पत्रकार की ओर अग्रसित हो रहे हैं, तो उनसे हमारी जो समाज है, जो हरियाणा है, वो किस ओर अग्रसर हो रहा है, उसका जिक्र कराया गया था। तो बहुत बहुत जो समझदार लोग थे उनके जो कमेंट थे उसमें आए, बहुत बढ़िया बढ़िया राय उन्होंने दी। और भाई कुछ एक नेगेटिव भी कमेंट थे और भाई कुछ एक मतलब ठीक ठाक जो आम आदमी की जो बात हो है वह भी थी। हालांकि इस वीडियो में उन कमेंटा का जिक्र नहीं कराया जाएगा, इस वीडियो में जो मुद्दे की बात है वह करी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पत्रकार है, हालांकि सारे पत्रकार एक जैसे ना हो भाई, कुछ एक पत्रकार बहुत बढ़िया बढ़िया भी काम कर रहे हैं और कुछ एक पत्रकार भाई हमारे समाज को मतलब गलत गलत दिशा और गलत संदेश मिल रहा है उनकी पत्रकारिता थी, तो उनका जिक्र उन वीडियो में कराया गया था। तो दो उदाहरण आपके सामने उस वीडियो में रखे गए थे। जैसे पहला रेखा मैराणा का उदाहरण है, रेखा मैराणा का केस आप सब जानते होंगे। रेखा मैराणा, सुखविंदर खोखा, जो कि कोई गलत वीडियो बना रहे थे, तो बार बार मतलब उनके द्वारा ये पत्रकार भाई पहुंच जावे हैं, बार बार जावे हैं, कदे कित्ते चले गए, कदे खेत में चले गए, तो उसके कारण वह इतने ज़्यादा वायरल हो गए कि पूरे हरियाणा में वह फैल गए, ठीक है। तो हमारे समाज के ऊपर उनकी वीडियो पहले तो नहीं देखी जाती थी, लेकिन इन पत्रकारों की वजह से वह वीडियो पूरे समाज में फैल गई। और आजकल वही तो हमने बेराय है कि बड़क बड़क दोरा फोन है, तो बड़कन भी वो वीडियो पहुंच गई और उन वीडियो के कारण हमारा समाज मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित होया, तो जिसके कारण हरियाणा की छवि जो है खराब हो गई। तो एक उदाहरण वो दिया गया था, तो बिल्कुल सही था वो। यदि पत्रकार उस मुद्दे ने इतना ज़्यादा वायरल ना करते या वो अपने व्यूज़ के चक्कर में ना पड़ते कि भाई उस मुद्दे पर जाकर वीडियो बनाऊंगा, जाकर आज तू चला गया, कल तू चला गया, तो उनने भेज जाएंगे, तो मुद्दा थोड़ा गर्म है और भाई वायरल मुद्दा है, बार बार जाकर उनते ये सब बातें कराएंगे तो हमारी वीडियो वायरल होगी। उस मुद्दे ने जो उठाने का जो काम था वो भी अपने हरियाणा के जो पत्रकार भाई हैं उन्होंने ही कराया था। और जो दूसरा केस हमने बताया था वो अंजू दादरी का बताया था, तो अंजू दादरी इतनी वायरल कर दी इनने कि वह पूरे समाज में एक आईना बन गई, उसके ऊपर इतने मतलब टॉर्चर कराया गया, या फिर ये लगा लो भाई आज वो चला गया, आज वो चला गया, वो एक काम उनका तो भाई जो पहले होता था, पहले केस में जो था। तो इन्होंने मुद्दे थे मतलब बात अटके करी गई, जो अतीत है उसमें घुस गए, ना कि ये पूछा भाई के दिक्कत है, के अनबन होगी तारे दोनों में, के सुलझेड़ा उसका, के समाधान उसका है। तो इस तरह यदि बात करते मतलब दोनों ने आपसरी में जोड़न की यदि बात करते, रिश्ते ने मतलब आगे बढ़ाने की बात करते तो अच्छा होता। हालांकि ये अतीत में घुस गए और मुद्दा इन्होंने मतलब खेच के बहुत बड़ा बना दिया, मतलब छोटा हा मुद्दा इनको त्या गया, उस मुद्दे ने खींच के मतलब वायरल कर दिया। तो इसमें भी इन पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा उदाहरण है, एक और नया मुद्दा उठा लिया भाई इन्होंने और उसकी रूपरेखा बिल्कुल अंजू दादरी की तरह ही करी है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, तो मेरे सामने एक वीडियो आ गई, उस वीडियो में क्या था कि इन्होंने जो जो ये जो थंबनेल होता है, थंबनेल के ऊपर लिखा था कि भाई एक और अंजू दादरी की तरह दिखने वाली औरत एक और मिली है लुटेरी दुल्हन, कुछ इस प्रकार से लिखा गया था। मतलब ये जो अंजू दादरी है उसको मतलब बिना कुछ साबित होए ही उसको गुनहगार घोषित कर रहे हैं, जैसा कि उस टाइटल में साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो उसी मुद्दे से इसलिए जोड़ रहे हैं कि उनको व्यूज आएंगे, उसके साथ साथ वो वीडियो भी देखी जाएगी, तो इसके चक्कर में वो ज़्यादातर पत्रकार जुड़े हुए हैं, तो एक और मुद्दा लाकर खड़ा कर देंगे कल ना कल। कल हो सकता है कि और कोई आ जाए भाई रेखा मैराणा की तरह, उसको भी वायरल कर देंगे, तो समाज
के अंदर क्या हो रहा है। समाज मतलब एक पत्रकार जो होता है वो समाज का एक आईना होता है, और उसी का जो रिपोर्टिंग है, उसी की जो बात है वो पूरा समाज देखता है। जैसा कि अपने बेरा होगा, न्यूज बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जावा है, चाहे यूट्यूब हो या फिर और कुछ हो, तो न्यूज में कुछ मतलब गलत दिखाया जाएगा तो वो गलत भी देखेंगे, तो इस तरह समाज पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में यह बात कहना चाहते कि भाई गलत मैसेज ना दो, कुछ अच्छा दिखाओ। उनके मतलब जो रिलेशन टूट रहे हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करो। कि एक बात और कहना चाहेंगे भाई, तुम जज ना हो भाई, कि तुम्हें फैसला करोगे, तुम एक समाज का आईना हो। शाम दो बोलोगे वह बात समाज में पूछी जाएगी, समाज देखेगा उसने, तो थारा यह कर्तव्य बने हैं कि जो सही बात है बिल्कुल निष्पक्षता के साथ है करी जा, ना कि किसी गलत का पक्ष ले और सही को सही बताएं। ठीक है, ज़्यादा मुद्दे से हटकर बात करना भी बहुत बड़ी गलत है। हालांकि भाई आप वीडियो बहुत ही कम गिरा है, क्योंकि आप जो सामाजिक बातें हैं वो ये करने की कोशिश करेगा, जो सच्चाई हो वह दिखाने की कोशिश करेगा, ना कि आपा कोई पत्रकार, ना आपा कोई, आप एक आम आदमी जिसका कोई भरोसा को नहीं भाई, कल हो ना हो। तो मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए भाई सारा भैया का धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।